So first of all, thank you so much, Siddharth, and I would like to thanks all of you for having me on stage and having you yourself into this particular hall. So first, I would like to make a big round of applause for you people, क्योंकि आज जिस प्रकार से बारिश हो रही थी, जहां आपको घर पे बैठ के चाय और पकोड़े खाने चाहिए थे, आप देश बनाने हमारे बीच में आए हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुक्रिया. सिद्धार्थ का सवाल है कि आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग करके देखा जा सकता है. देखिए, इसका दो आंसर है सिद्धार्थ. सबसे पहले तो हमारा कंपैरिजन किसी ऑर्गेनाइजेशन से है ही नहीं, क्योंकि आज सारा मुल्क सारे नाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है. ठीक है, तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. सिर्फ जिसे कहते हैं अपना धंधा चमकाने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो खराब हैं या वो अच्छे हैं, हम ऐसे हैं. लेकिन एक जो थॉट जो हम सबको उन सबसे अलग बनाता है, अगर आपकी लैंग्वेज में बोले तो, या जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, जो परसेप्शन होता है, तो वो एक चीज जो हमें उनसे अलग बनाती है वो ये है कि बहुत सारे लोग इस देश में वेतन के लिए काम करते हैं और हम वतन के लिए काम करते हैं. इसलिए हमने कोशिश की है कि जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में 1,000 रुपए की बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शायद इतने रुपए में आज से आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया की किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सके अपने घर बैठ के. और जैसा कि हम लोग एमसीएफ के अंदर कहते भी हैं, अ होम अवे फ्रॉम होम. जब एक बच्चा कोटा जैसे शहर में जाता है, दिल्ली जैसे शहर में आता है, या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है पढ़ाई करने, तो एक बच्चा अकेले प्रिपरेशन करने नहीं आता, उसके साथ आते हैं बहुत सारे अरमान, उसके पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी, अगर वो लड़की है तो उसके माँ बाप के अंदर एक जहन में एक सवाल कि मेरी बच्ची वहाँ सेफ है या नहीं. तो एमसीएफ ने ये कोशिश की है कि उसका क्लासरूम उसके घर में पहुँचाया जाए, इसीलिए हमने नाम रखा है माई क्लासरूम. फेयर नाम ब्रांड को मेकओवर कौन करेगा, इसको टेक्निकली वो मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि इसको स्केलेबल कौन बनाएगा. तो हम मेरी जब पहली बार निशान भैया से बात हुई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि प्रोफेशनल ग्राउंड पे, फाइनेंशियल ग्राउंड पे एलीट स्पोर्ट्स का क्या फायदा होगा. इसके लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में आज के डेट में कुछ भी खरीदने निकलते हो, बेचने निकलते हो, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है. और जिस तरीके से माई क्लासरूम फाउंडेशन, जो अपने आप में ही एक नाम है, अपने आप में ही हम लोग एजुकेशन में कुछ रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद उन्होंने बोला बॉस्ट फिट है और हम पंजाब के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें यूथ भी है और एक्सपीरियंस का भी ब्रांड है. अगर आप देखिए तो आज आईपीएल में जो सबसे सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट खिलाड़ी है क्रिस गेल, वो भी इस टीम का हिस्सा है और जो वहाँ के यूथ को गाइड कर रहा है. तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी वैसी है और हमें रिलेटेबल लगा, तो वी जस्ट जॉइंड हैंड विद हैंड. Well done, well done. Coming back to MCF and you know the very idea of it, layman के तौर पे एक और सवाल है, because हमारे इतने सारे journalists यहाँ पे, media बंधु यहाँ पे हैं, so just to kind of explain it to anybody, any layman who's watching it right now, it is as simple as getting on the internet or getting on the MCF app and start learning, isn't it? इसको मैं कहानी से समझाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का पेशेंस मुझे मिले और मैं ये कहानी को पूरी कंप्लीट करूँ. जब मैं क्लास 11th में था और मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से निकलकर कोटा पढ़ाई करने गया, तो मेरा एक दोस्त था गौरव शर्मा. गौरव की एक बड़ी खास स्पेशलिटी थी, उससे जितना बोलो उतना ही जवाब देता था. लाइक खाना खाया, हाँ खाया, खाने में क्या खाया, खाने में खाना खाया, रोटी खाई कि दाल चावल खाया, तो रोटी खाई, दाल चावल नहीं खाया, जवाब दे दो खाया, तो बताया क्यों नहीं, तो पूछा क्यों नहीं. तो ही वॉज वेरी ब्लंट, और कई बार आदमी इतना ब्लंट हो तो आपको लगता है कि एरोगेंट है, क्योंकि वो आपके सवालों को ज्यादा जवाब नहीं दे रहा, या ऐसा फील होता है कि डिसइंटरेस्टेड है आपसे बात करने में. ये सिलसिला पूरे एक साल चला. हम सेम क्लास में पढ़ते थे, सुबह जाना, शाम को जाना, साथ में खाना खाना, साथ पढ़ाई करना, लेकिन वो आदमी सिर्फ उतने ही सवाल का जवाब देता था. आई थिंक अगर मैंने उससे 100 सवाल, मतलब हमने अगर आपस में 100 बार बात की होगी, तो 98 टाइम्स मैंने ही उससे सवाल पूछा होगा. 2 टाइम हो सकता है उसकी कोई अर्जेंसी हुई हो तो उसने मेरे से बात की हो. 1.5 साल हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया, जिस प्रोग्राम में हम थे वो एकदम क्लोजर पे चल रहा था, सारे टीचर्स जा रहे थे, सब रो रहे थे, बट ही वॉज हैविंग अ पोकर फेस, कोई जवाब नहीं दे रहा था, एकदम शांत बैठा था, सब रो रहे थे.
जो यूथ पावर है, जैसे हम देखते हैं केएल राहुल हैं, सरफराज हैं, मंदीप हैं, मॉर्गन अश्विन हैं, तो इस तरीके के खिलाड़ी जो हमारे देश की यूथ को स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए ना सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि उनको इसलिए भी मोटिवेट करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी चीज़ के अंदर है, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स, वो उसी स्पिरिट के साथ परफॉर्म कर सकें। और MCF उनकी इसी स्पिरिट को सैल्यूट करता है और MCF अब पंजाब 11 के साथ ऑफिशियल वेब एजुकेशन पार्टनर है। थैंक यू। MCF के पास अभी 25,000 से ज़्यादा बच्चों का डाउनलोड्स है और आप अगर हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और सब जगह लेकर देखेंगे तो तकरीबन 10,00,000-1,000,000 के आसपास हमारे साथ स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से, किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं। और आने वाले नियर फ्यूचर में, अगले 3 से 5 साल के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 41 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर जगह पर हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर आएँ और टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे को ईज़ ऑफ सब्सक्रिप्शन दे सकें, ईज़ ऑफ नॉलेज दे सकें, वो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। हम एक बेसिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे जो आर्मी के जो जवान हैं उनके बच्चों को एक ऐसा हम पढ़ाई का सुविधा देंगे जो कि निशुल्क होगा और उनको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। ये एक मुहिम है, ये एक प्लेज है जो हम करते हैं कि हम 50,000 बच्चों तक रीच करेंगे और इसका जो स्टेप होगा, जो प्रोसेस होगा, उसको हम ले आउट करेंगे। और पंजाब 11 के साथ, पंजाब के साथ होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि आप बड़े वर्जन पे भी देखते हैं तो एक समझ में आता है, एडटेक का ज़माना है और एडटेक बहुत पॉपुलर है, तो MCF इज़ गोइंग टू गो हाई इन लाइफ। 10,000 बच्चों को हम लोगों ने प्लेज किया है तो जैसे जैसे प्रोसेस होगा वो रोल आउट करेंगे हम। हाई, माय नेम इज़ अमित शाह एंड मैं कोफाउंडर डायरेक्टर माई क्लासरूम फाउंडेशन। और MCF एक सोच है कि लाइक आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास सोर्स नहीं है, किसी न किसी तरह से कोई किसी के पास फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, कोई कोटा जैसी जगह जाके नहीं पढ़ सकता, कोई 1,00,000 रुपये फीस चार्ज नहीं कर सकता, 50,000 नहीं सकता। तो हम इसको एक ऐसे मॉडल पर लेकर आए कि हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी जगह हो बट वो हमारा सब्सक्रिप्शन इतने लो मॉडल पे लेके आ रहे हैं हम लोग कि वो उसे डाउनलोड करे और पढ़े ताकि इंडिया में हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर एक स्टूडेंट पढ़ा और अपने सपनों को पूरा करे। कई बार बच्चा मेडिकल के देना चाहता है, IIT देना चाहता है, UPSC देना चाहता है, वरना किसी कारण से वो नहीं दे पाता क्योंकि बहुत चीज़ें कॉस्टली हैं, लेकिन हम वो चीज़ लाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़े और अपने सपने को एटलीस्ट पूरा करे ताकि उसको ये काश ना लगे कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता,